मेक इन इंडिया और इंपोर्ट रिजिम के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इस मार्केट की परचेजिंग पावर है क्या? अगर भारतीयों का परचेजिंग पावर ही नहीं होगा तो दुनिया से क्या इंपोर्ट करेंगे? और मुझे अगर परचेजिंग पावर बढ़ाना है तो मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। इकोनॉमी को ग्रो करने का सबसे पहला क्षेत्र मुझे दिखता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई झगड़ा ही नहीं है। अब देखिए, रेलवे, इतना बड़ा रेलवे का काम है, 100% FDI हमने किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग आ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड व्हेन आई से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं क्लाइमेट इश्यू को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरे किसान की इकोनॉमी को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम पानी की समस्या जो है उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिवर ग्रिड का काम है, कैनाल नेटवर्क है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं कि जिनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महंगा है, उनके लिए इंपोर्ट करना सरल है। अगर हम भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज करने की दिशा में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यूएडेशन में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, ग्लोबल मार्केट की संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं उन देशों को एग्रीकल्चर सेक्टर महंगा पड़ता है जबकि ये सस्ता हो सकता है। तो एक प्रकार से विन विन सिचुएशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन जिन विषयों को आपने स्पर्श किया है, मैंने पहले ही कहा मैं कंसिस्टेंसी में विश्वास, और जो गुजरात मॉडल की चर्चा डेम ने की वो यही है कि वो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, वहाँ कंसिस्टेंसी है, गुड गवर्नेंस पे बल था, और ये मूलभूत बातों को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने पिछले 6-8 महीने के मेरे अनुभव में देखा होगा कि इन चीज़ों में, और मैं मानता हूँ कि सामने से जो बात आती है मैं उसको सबसे पहले सुनता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट से आती हो उसको मैं बाद में सुनता हूँ, मेरे स्वभाव में है, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ लेता हूँ, और उसका परिणाम ये आता है कि मैं बहुत जल्दी निर्णय कर पाता हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, हमारे पास टैलेंट है, स्कोप भी है, स्किल डेवलपमेंट पे मेरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से काम होने वाला नहीं है। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है, स्किल, स्केल एंड स्पीड। मैं स्किल पर बल देना चाहता हूं, मैं स्केल बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं स्पीड और गति से जाना चाहता हूं, और जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैच